जो खबरें आ रही हैं, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए वो है दुक्कम पोर्ट। भारत को डुक्म बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंप दी गई है। इसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दुक्कम है, जो बिल्कुल चाबहार के साथ है और पाकिस्तानी ग्वादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई है। जिस तरह भारत अपना तसल्लत बढ़ाता जा रहा है, जो बंदे हैं मैन एट देयर बेस्ट इज पाकिस्तान आर्मी, जो उनकी ट्रेनिंग है बड़ी प्रोफेशनल और जज्बाती है उनकी। हमारे बच्चे भूखे मारे हैं इधर दुबई में, इंडियंस बैठे हुए हैं इन क्लेरिकल जॉब्स और हमारे लोग जो हैं मैनुअल लेबर पे हैं। हमारी जो फौज है उसने 71 के बाद बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला, सही नहीं होने वाला। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का घेरा तंग हो रहा है जी? अमेरिका है उसको हॉलीवुड ने चढ़ाया हुआ, एग्जैजरेट करते हैं। इसी तरह बॉलीवुड ने इंडिया को चढ़ा, उनके पास डिफेंस नहीं कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसी चीज जब कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का एक डिफेंस ऐसा है जिसके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। लोग एटमी ताकत हैं, हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारी मदद करें, हम इन सब की गैर मुल्क कैसी तैसी फेर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए वो है दुक्कम पोर्ट, वो उनके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको देखें कि दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया, और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको जारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं, और उसकी बड़ी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है जिसे वो कहते हैं ना। और ओमान क्या कहता है? ओमान कहता है जी कि हम इसे सेफ, स्टेबल और फ्रेंडली हेवन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के ये अगर एक्सेस जो कि मिल रही है, ठीक है जी, और इंडिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है ओमान के साथ। बहरहाल एनी हो, इंडिया ने माजी में भी अपनी सबमरीन जो है स्पोर्ट पे भी लगाई थी और भेजी हैं और भेजते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत दोवल साहब, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, ओमान में भी गए हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो एक तो ये सारे डुकम की इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ है। देखिए, आपने पहले घुसना होता है बिजनेस के ज़रिए, इकॉनमी के ज़रिए, देन आप उनको चीज़ें देते हैं, देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको और चीज़ों पर लेके जाते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज्म पर बात हुई है, ठीक है जी, अब टेररिज्म पे इंडिया, आपको पता है क्यों बात करता है? इंडिया टेररिज्म पे बात करता है व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। सो उन्होंने कहा है जी कि टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, जो भी जैसे भी है ये हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन जारी बात है कि इंडिया व्हेन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट टेररिज्म, इट डजंट टॉक अबाउट अलकायदा और इस्लामिक स्टेट। Although India has declared those terrorist organizations terrorists, but India's definition of terrorism is when it comes to वो जो कश्मीर से लिंक करते हैं। For example, recently India ने जो हमास के अटैक्स थे उसको जब दहशतगर्दी कहा, तो बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने कहा कि इंडिया की इवन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमास के इस एक्ट को टेररिज्म इसलिए देखता है बिकॉज वो इसे कश्मीर से कनेक्ट करता है। बट एनी हो, दैट इज़ अ पॉइंट। सो इंडिया ने वो सारी बात उन्होंने करनी ही है, लेकिन द क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है इंडिया अपनी, जैसे मैंने बताया, कि अपनी एक्सेस बढ़ा रहा है। और आपको पता है कि इतना इम्पोर्टेंट था कि ये जो प्रेसर है, जो प्रेस रिलीज हुई थी, इसको फॉरेन सेक्रेटरी ने किया, ठीक है जी, और
पता तो इससे यही चलता है कि इंडिया जैसे बड़े हाई लेवल पे हुए हैं, वायदे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और ओमान की एक दोफर यूनिवर्सिटी है, दोफर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे चेयर हिंदी चेयर के हवाले से, सारी बात है हिंदी लैंग्वेज के हवाले से इंडिया ने अपनी वो किया, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेलकम किया, बड़ा उन्होंने वो सारी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन दुकम को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, और वो समझते हैं कि दुकम जो है वो हमारे लिए एक अहमियत रखता है, और सिर्फ अपनी एक्सेस के हवाले से इंडिया बात कर रहा है कि उनकी जो एक्सेस है दुकम में वो उनको बहुत कुछ दे सकती है। असल में ये हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं इनकी कमजोरियां हैं कुछ जो ऐसी है, जैसे ये लोगों को पैसे देते हैं, पाकिस्तान को अपना मजबूत करें, पाकिस्तान अपना काम करें, इन सब पे हुकूमत करें, हम लोग एटमी ताकत हैं, हमारे मुसलमान मुल्क हैं, हमारी मदद करें, हम इन सब की गैर मुल्क कैसी तैसी फेर सकते हैं। तो हमें हमने आप कह रहे हैं हमारी मदद करें, तो हम खुद क्यों नहीं उठते, हमेशा मदद वाला सिस्टम ही हमारे दिमाग में क्यों चलता है। मैं आपको खुद की बात बताऊं कि कुछ ऐसा है कि हमारे कुछ सियासतदान लगा लो जैसे भी है, इस मुल्क को 1970 में हम लोग कर्जा लोगों को देते थे, बस हमारी कुछ मजबूरियां क्या समझ लो कि ऐसे लोग कुछ हमारे आते हैं यानी कि मुल्क में मुसल्लत हुए हैं जो मुल्क को आगे नहीं जाने दे रहे। इस्लामिक ममालिक में जो भारत की पकड़ मजबूत हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे, सऊदीया हमसे ज्यादा तरजीह उनको देता है, दुबई देता है, अभी ओमान ने भी दी है बहुत ज्यादा तरजीह उनको। भारत पैसा इस्तेमाल कर रहा है ना, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। मैं वही कह रहा हूँ, इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो पैसा देगा ना किसी को, मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं किसी को दूंगा तो मेरी इज्जत करेगा, करते ना अपने रिलेशंस अच्छे करते हैं। मैं वही बात कर, आज हमारे मुल्क में ये पोजीशन बनी है कि पैसे वाला बहुत आगे निकल गया, और जो यानी कि सफेद पोश और नीचे और जो गरीब है वो तो गरीब है ही है, इसी नजरिए से देखिए इस्लामिक ममालिक में ही अगर बात करें तो। देखो जी इस्लामी ममालिक में मैं कहता हूँ कि वो उनको अपना पता है, जो भी हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है, हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही हो रहा है। पाकिस्तानी है हमारे लिए पाकिस्तान सब कुछ है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमी पर, बात कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ उन सब चीजों की जो दुनिया को नजर आ रही है। हम लोग तो कहेंगे क्योंकि हम सिटीजन हैं, हम इस मिट्टी में रहते हैं, हमारे लिए मुल्क सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें इकोनॉमी को बीच में लाएं तो क्या कहेंगे, दिया वाले गलत कह रहे हैं, कोई ना कोई काम हम वहाँ पर जाके कर देते हैं, हमें गलत कह रहे हैं, हमारी अपनी यहाँ गलती हैं। हम भारत के साथ मुकाबला कर सकते हैं जैसे उनकी पकड़ मजबूत हो गई। देखो जी हमारा ईमान टैट है, हम मुकाबला जैसे भी करें, देखो फलस्तीन मर रहा है ना, मुकाबला उन्होंने किया जैसे भी किया, हम भी ऐसे लड़ेंगे, ज्यादा ज्यादा शहीद हो जाएंगे। मामले में आपका ईमान कहाँ गया, भारत के मामले में तो ईमान जागता है। नहीं नहीं देखो हमें अगर ऑर्डर दे, मैं कहता हूँ लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें ऑर्डर दे हम जाए इंशाल्लाह, शहीद तो होंगे ना, फलस्तीन जाएं, भेजिए हमें, हम जाने को तैयार हैं। तो जैसे हम दूसरी कंट्रीज में निकल जाते हैं वीजा के बगैर, वैसे फलस्तीन क्यों नहीं गए आप? नहीं मैं कहीं गया नहीं, मैं ऐसे नहीं गया नहीं हूँ कहीं। हाँ हमें कोई ले जाने वाला हो हम इंशाल्लाह जाने को तैयार हैं। हाँ जी आपके लिए तैयार है, ज्यादा शहीद है, मरना तो है, हमारा ईमान है, मुसलमान है, हमने मरना तो है। बताए मैं चाहती हूँ कि जो जज्बा है ना वो हमारी मईशत में भी नजर आए, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। हम लोग ये 76 सालों से पाकिस्तान में जी जज्बा बहुत है, बड़ी जज्बे वाली कौम है, इकोनॉमी ढेर हुई पड़ी है।